वर्तमान समय रे परिवेशर प्रदूषणर मात्रा बढ़ी बढ़ी चलिछि। एहाको दृष्टिरे रखि सुशांत साहू नामक जने राखी व्यवसायी गत 3 वर्ष धरी इको फ्रेंडली राखी प्रस्तुत करुछन्ति, जहाकि पोखरीपुर ठारे उपलब्ध। से कलाधान, धलाधान एवं विभिन्न प्रकार मंजी, अठा और काठी को व्यवहार कर भली की भली राखी प्रस्तुत करुछन्ती। भाई भौनी को स्नेहर गोटे बंधन एटा, तेणु यार हूँ स्नेहटा को बांधिक रखी दि जाए, जोटा कि आटा गोटे थर बांधिदे मैंने भाई भितर भी गोटे फिलिंगस अच्छे मो भीटा मो मैंने मो प्रति तार से स्नेह आफेक्शन अच्छी आर मोपी विश्वास अच्छे से मत प्रोटेक्ट मुझे प्रोटेक्ट करी सब क्षेत्र में प्रोटेक्ट करे सब बड़े रही पारे बोली भौणीर भी से अफेक्शन रही है। मो भाई की बांधी मैंने मो भाई निश्चिंत भाव मोपाईका मैंने सब प्रकार प्रोटेक्शन मत पार मत सब मैंने मो पाखे सब बड़े रे तार स्नेहटा से बांधी होकर रहीगला, तेणु मुझे ये समस्ते सब सब भौणी मैंने भाई मान बांधतु से मोमेंटा बहुत कोरोना टाइमटा बहुत मानते बहुत पेनफुल थिला आम मानी जोटा कि आम से बनईलु सत कथा मैंने बढ़ी और पापड़ स्टार्ट करूँ सहीटापर से जोबले खरा दिन चलीगला बर्षा आसगला आम से पार्लुनि तो से आम राखीटा को ही चूज करूँ। मो हजबैंड सी हूँ गोटे मैंने सोशियाल आक्टिविट से एनवायरमेंट को बहुत भल पाते तेणु सी कहले आम ये जो राखी बनई आम तो मैंने ये करना तो मुझे कहली हाँ कर सब आईडिया ही दिखती से एनवायरमेंट भारी मैंने एनवायरमेंट प्रति बहुत ये बहुत भल पाती से एनवायरमेंट केमती सुरक्षित रे कर सब बड़े से विषय भाव था तो द्वारा ही मुझे इन्स्पायर हो सब गुरा कर तेणु सी ही मत बेस इन्स्पायर कर सब यहाँ एक्चुअली सबुतक प्रायतः इको फ्रेंडली राखी सब रही जहाँ परेश भल प्रभाव पकेब आपत जदि आपको फिंगी भी देखते मटी में मिशिजी कि मंजी गुड़ा जोड़ा अच्छे से गुड़ा सब से गच भी सृष्टि हो पार जोटा कि आम परेश निहाती आवश्यक है जो भाला पल्यूशन सब हो तो से आम युवा 3 वर्ष है स्टार्ट कलु कि मुझ ए इंटरेस्ट देली बेसी कौन पाई ना मत युवा सब करने बहुत भले स्टार्ट कले से बहुत भी भल लगे करने जी गोटे जिनस चाहिए तेल केमती भी से टाइम से बाहर ही करदे जदि इच्छा शक्ति थी तेल टाइम आपे आप बाहर जी राखीटा एक्चुअली आम को जी रक्षा करुचे आम राखी बांधा तो भाई भी संपर्क कह ग बहुत ही गोटे स्ट्रंग बंडिंग सेटा जोटा कि भाई सब भौणीर रक्षा कै आउ प्रतिश्रुति था सब सबू बड़े ता सहित भी रही थाए आबु कार्य साय भी करें तो से ये बंडिंगटाई आम रक्षाबंधन टा पालन कर राखी भी भाई को बांध एथस तो, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू फटो बंधित तो राखी चलित बर्षर मुख्य आकर्षण पलटि मत रखिंट सुशांत साहू बजार जो राखी उपलब्ध हो ताहा परिवेश पाई प्रति तार प्रभाव परिवेश उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकोउची आमे जो परिवेश अनुकूल राखी प्रस्तुत करिछु ता परिवेश उपरे सुफल प्रभाव पकोउची डिफरेंट एया होउची जे आमे जो सामग्री व्यवहार करुछु ता स्वदेशी परिवेश को सुहाइला भली आमे सामग्री व्यवहार करिछु यथा जेमती काठी गोटी हो नड़ा हो धान हो सूर्यमुखी मंजी हो सूता हो कागज हो उल हो ये सब जिनस मटी में मिशि जाए किंतु बजार जो राखी आसूची चाइनारु तो माने सब जाक राखी आम भारत वर्ष को आसूची सी सब हूँ प्लास्टिक आ पॉलीथिन युक्त राखी जहाँकि मटी में मिसे ना परिवेश उपरे तार बहुत कुप्रभाव पड़े जल रे पड़े स्थल रे पड़े सब क्षेत्र में माने एमती बिंदु बिंदु वर्तमान प्लास्टिक रो पहाड़ भी सृष्टि हो जाए जहाँ वर्तमान आज आम त्राही त्राही डाकुचे जलवायु परिवर्तन बोली कहूचे आज सरकार भी केत प्लास्टिक निषेध कले केत पलिथिन निषेध करेणु आम प्रथम चिंता कलु जे आम एमती जिनस बनवा जोटा कि परेश खराब प्रभाव पकेबनी आक स्वदेशी जिनसटा केमती ग्रहण करेंगे आगुरु आम स्वदेशी जिनस प्रति लोक मान आग्रह रही बर्तमान धीरे धीरे कमी जाइए आम ये गोटे
3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଦେଶ କ୍ରାନ୍ତି ମିଶନ ବୋଲିକି ଆମେ ନିଜେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମ ପରିବାରରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱଦେଶୀ ରାକ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା। ତା ସହିତ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ବି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ, ଯେ ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାପକାଠି, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଗରବତୀ, ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ।